हेलो फ्रेंड्स, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सेमई खीर की रेसिपी। सेमई खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद भी की जाती है और ये बन करके तैयार भी हो जाती है। इसे स्पेशल रक्षाबंधन के त्यौहार पर बनाते हैं। सावन का महीना चल ही रहा है फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए सेमई खीर बनाने वाले हैं। तो सेमई खीर बनाने के लिए देखिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सेमई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर लिया है। दूध को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं और इसमें हल्का सा हम थोड़ी चावल भी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर दूध में उबाल भी आ रहा है। हमने दूध यहाँ पर रख दिया है उबलने के लिए, तो दूध में अच्छी तरीके से उबाल आ रहा है। तो इधर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेवइयों को डालेंगे। तो इधर मैंने ये चावल भी लिए क्योंकि सेवई खीर बनाने वाले हैं, थोड़े चावल से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए ये देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सेवई हमने बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया फ्रेंड्स, क्योंकि सेवई को हमने अच्छे से ब्राउन होने का इनको भूना है। इनको हल्का 1 चम्मच घी डाला था और इनको बिल्कुल हमने ब्राउन होने तक इनको भून करके तैयार कर लिया है। और इधर मैंने आधा कप चावल था, आधा कप हमारा, उसको मैंने थोड़ा 5 मिनट के लिए पानी में भिंगो कर रखा था। ये बहुत ही जल्दी यानी कि खीर बन करके तैयार भी हो जाएगी और अच्छे से चावल हमारे खीर में मिक्स हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है, इसलिए हम 5 मिनट भिंगा कर रखा था इनको। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, देखिए 5 से 6 बादाम लिए हैं, और यहाँ पर मैंने मखाने लिए हैं, काजू लिया है और किशमिश लिया, और ये देखिए चिरौंजी लिया है। तो ये इतने मैंने ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग के अनुसार ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, चीनी भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, किसी को मीठा कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इधर हमारा उबाल भी आ चुका है दूध में, तो सबसे पहले हम चावल को डालेंगे इसमें। सबसे पहले हम चावल को डाल देते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, चावल हमने डाल दिए, चावल को थोड़ा हम बॉयल होने देते हैं क्योंकि थोड़ा चावल दूध में अच्छे से उबल जाएंगे। तो इसके बाद हम सेवई डालेंगे। सेवई बिल्कुल सॉफ्ट होती है तो बिल्कुल जल्दी गल जाएंगे, तो चावल हमारे थोड़े टाइट हैं, तो इसलिए हम इनको थोड़ा चावल को बनने देते हैं 5 मिनट। तो फ्रेंड्स, चावल को हम चला देते हैं इस तरीके से, क्योंकि चावल हमारे एकदम गुठली जैसे ना हो जाए, इकट्ठे चिपक ना जाए, तो इनको अलग अलग कर लेना है। तो ये देखिए सही है चावल हमारे, तो इनको फ्रेंड्स चावल हमारे अच्छे से यानी कि 5 मिनट हमने इनको पका दिया दूध में। अब इसमें हम सेवइयाँ डाल देते हैं। सेवइयों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, ये देखिए यानी कि चावल और सेवई हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। डालने के बाद देखिए बिल्कुल कितनी सॉफ्ट हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार होती हैं फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चावल की खीर अगर चावल डाल के बनाते हैं तो चावल को पहले हमने बताया था भिंगो लीजिए पहले थोड़ा 5 मिनट, और 5 मिनट इस दूध में अच्छे से चावल को बॉईल कर दीजिए। इसके बाद ये जल्दी से बन करके रेडी हो जाएंगे, तो देखिएगा फ्रेंड्स। और पानी भी हमने ज़्यादा नहीं डाला था दूध में, तो दूध भी हमारा बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो थोड़ी देर और लगेगी हमें, 5 से 6 मिनट, सेवई हमारी बन करके रेडी हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, खीर भी हमारी अच्छे से बन गई है और सेवई भी अच्छे से बॉयल हो गई। तो इसमें हम डाल देते हैं मेवा, तो अमेवा को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। मेवा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। मेवे को हमने 2 से 3 मिनट इसमें अच्छे से पका लिया है, यानी कि जो मखाने हमारे अच्छे से फूल हो जाए, अंदर तक दूध चला जाएगा इसमें मखानों में। तो अब हम इसको चला देंगे चीनी डालने के बाद इस तरीके से। गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद, क्योंकि खीर हमारी बन करके रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, और चीनी हमारी ऐसे ही घुल जाएगी, गर्म है ना, तो इसलिए चीनी हमारी घुल करके रेडी हो जाएगी। तो चलिए हम इसको चला देंगे, चीनी को अच्छे से घुल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है बाउल में, सेवई खीर हमारी बन करके रेडी है और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार भी हुई है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो चलिए इसे फटाफट बनाइएगा, सावन के महीने में इंजॉय कीजिए और जल्दी बन जाती है, इसमें ज़्यादा झंझटबाजी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।